क्या हाल है दोस्तों। हम लोग फाइनली फ्री हो गए पंजाब से, अकीका फंक्शन से सबसे फ्री हो गए। अब दिल्ली आ चुके हैं और आप मेरे साथ खड़ा है आदिल। और अब हम पूरी लफंडल ब्यूटी करेंगे, नहीं, कोई काम काम नहीं करा करेंगे। जाएगा। अब काम करने ही आए हैं इनकी रील बनाने के लिए। बनाई तो है नहीं तूने, सुबह से 4 हो गए शाम तक। तेरा उसका वीजा का क्या हुआ? वीजा नहीं जा रहा मैं, अब मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों? अब नहीं जाना भाई, क्योंकि यूएस काम वालों धंधे ने पे इसका लगना है। वीजा रिजेक्ट कर दिया। धमकी उनके कुछ नहीं करना, मैं जा ही नहीं रहा। दोस्तों, जो सामान अपने पैसे से खरीदा जाए उस सामान की वैल्यू तो होती है। खैर, ये बंदा मतलब कुछ नहीं साफ करता है इस घर में। मैं भी आई हूँ, देख सकते हैं आप पंखे के हालात, हर चीज गंदी पड़ी है, बट आते ही बंदा टीवी साफ कर रहा है। क्या है ये? एक बार ना ऑडियंस को ये प्रूफ करने के लिए गाड़ी की हालत भी दिखा दियो इसकी, जो हमने दी है इसको। हाँ, वो भी दिखा दूंगी। मतलब वो तो थार तुमने दी है, वो बुरी तरीके से गंदी, स्क्रैचेस पड़े हुए, बट घर आते ही यहाँ फ्लैट पे मैंने देखा है कि सिर्फ टीवी साफ होता है रोज। क्यों शदा? ये पंखा, ये बेड के ऊपर की गंदगी, बाहर के स्टूल की गंदगी, वो सब क्यों नहीं साफ होती? सिर्फ टीवी क्यों साफ होता है? क्या बात है ये? जी नहीं, सिर्फ इस घर में इकलौता टीवी है जो तू अपने पैसों से लाया है। बात ये है, और ये भी, दोनों चीजें साफ होती है। हमारी जनरेशन खराब हो गई भाई, है ना? हाँ, इतने खुशी हुई हो। खान सामो को देख रहा था मैं, उसकी थर्ड जनरेशन काम कर रही थी, उसका बाप कर रहा था, खुद खुद करता था, उसके बेटे भी दोनों उसी काम। जी जी जी, क्या कह रहा था? प्रोग्रेस नहीं हुई। प्रोग्रेस कैसे नहीं हुई? प्रोग्रेस तू कर रहा है ना? मैं तो कर रहा हूं टीवी साफ करके। देख लिया यार साजिद, मैंने मतलब हाइट से यार देखियो कैसे साफ कर रहा है। पिछले 5 मिनट से मैंने मतलब वीडियो नहीं बनाई, बट मैं मजबूर हो गई देखने के लिए कि जब इतनी शिद्दत से एकदम। अरे बड़ा भाई नहीं होना मुझे कभी जिंदगी में, ना शराब में बड़ा भाई पैदा होना। देख मुझे तो छोटा ही होता है हर बार। हाइट में लग रहा है अभी बहुत छोटा लग रहा है। छोटा होना कोई होता ना एकदम खड़ूस भाई तो पता चल जाती तुझे। हद है यार, खाना आते ही इसकी जो है सारी शरीर की ताकत बाहर निकल के आ जाती है। ले ले भाई, ले ले, पहले तू ले ले, बाद में लियो। तो दोस्तों, मैंने ऑर्डर किया था तंदूरी चिकन, तुझे तो भूख नहीं थी रे? हाँ तो आ गया तो खा रहा हूँ। ये वही लोग इतना खाना ऑर्डर करो तो मना करते हैं, और जब आ जाता है तो सबसे पहले खाते हैं। आराम से खत्म नहीं हो रहा है शदाब, नहीं है भूख लग रही है। खुलते ही प्लेट ऐसे अटैक किया है राजा मेरे भाई और शदाब ने। क्या बात है? हड्डियां तोड़ रहा बैठ के, आवाज आ रही है। ये परेशानी है इससे तो तेरी हर चीज से परेशानी है। वैसे करके खा रहा हूं, अपना शरीर तोड़ लेना तू। मेहनत करके खा रहा हूं, मेहनत करनी पड़ रही है खाने में। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है शदाब तेरे को। सो छोड़ देता हूं, खाते टाइम ताने नहीं मारता आज तुझे। हाँ, नहीं मार लो, अब तो आदत हो गई है मुझे। इधर से सुन को उधर से निकालने की, तो और स्वाद आएगा ऊपर से सुन के नीचे से निकालने की। दैट सूट्स यू मोर। वैसे शदा, ये क्या हो रहा भाई? एक्सरसाइज। फ्री वेट? लेग्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। रुक, वेट देता हूँ तुझे, ले ले वेट ले कर। अब तो एक तरफ की तो बनेगी, दूसरी टांग भी तो दे। दोनों से पकड़ ले ना, मेरे ऊपर आके बैठ जाए। रुक, मेरे मुंह पे। अब उठा उठा उठा, अरे मर गया। उठा, मुझे तो लग रहा था तू इतनी कम हाइट का है, तुझमें कम वेट होगा। उठा जल्दी, हमें सांस नहीं आ रही। रुक जा, सांस भर दो, तुझे सांस। उंगली मत कर रहा है। मैं काम वाम करेगा या फोन पे लगा रहेगा? हाँ ये सही है, ये सही है। धरो धरो, मारो खींच के। मैं आदिल हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ी हूँ। खींच के मारो एक चाटा। एक और, एक और, एक और। आ गया लाइन में। अरे 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 एक और चीर दे। लेकिन ये ब्लॉग नहीं आते हैं, पड़े रहेंगे। अरे बेहोश हो गया, अरे बेहोश हो गया।
बेहोश हो गया ये घुसो और मारो कमर में। तू बहुत मजे ले रहा तो लूंगा ही, तूने भी तो लिए थे ना पूरे। अभी हटो पहले साइड पर जाओ, हटो। उठ उठ उठ, बस हो गया। जैकी जंजीर है ये, जैकी चेन। क्या बहुत तेज मारा है इन्होंने, इलाज करवा दे मेरा, मुझे हर्निया हो गया, बहुत उतारो मैं तुझे। कमर में घुसा पड़ने से हर्निया हो गया, हर्निया का दर्द हो रहा है मेरे बहुत तेज। अब तो फिर दोनों को एक हफ्ता एडमिट होना पड़ेगा। आज इसके हर्निया चेक करते हैं। आ जा, चल चेक करा। डिग्री नहीं है तब तक मैं हाथ भी लगा दूंगा, हट जाओ। डिग्री है ना हम पे, हर्निया का दर्द हो रहा है। झोला छाप डॉक्टर है भाई, हट जाओ यहां से। तू कितना मारो मारो खींच के। भाभी समझा लो अपने पति को। तू क्या वीडियो बनाया जा रहा? चले कैलाश आराम से देख। छू का देख, बहुत दर्द हो रहा है। क्या सही में हर्निया हो गया क्या? हाँ देख। चल मैं देख रहा हूँ। अबे क्या हो गया? दर्द हो रहा है और बहुत दर्द हो रहा। मत होशी में चला गया पूरा टच करते ही। अबे तूने घर अब दोबारा देख, दोबारा देख। क्या चो रहा है? तेरे को ताना वाना निकला हुआ आएगा नीचे। सुन एक बढ़िया आइडिया तू, इन्होंने देखो भी कुटाई कर दी, एक्टिंग करते हैं बीमार होने की बिल्कुल, और हॉस्पिटल में एक हफ्ता आराम से आराम करेंगे बिल्कुल। कहते इसके सही में हर्निया हो गया, ऐसे जाके बोल दे भैया। कहते मैंने छू लिया और बहुत दर्द हो रहा, बोल बोल। क्या? अरे ये सही में हर्निया हो गया, इसे इतना पीट दिया, अभी मैंने चेक कराया अपने हाथों से। क्या हो गया? सही में हर्निया हो गया, देखो तुमने क्या कर दिया। खांसी है, खांस खांस, वो हर्निया ना है, इसे बवासीर का दर्द है। अभी पता नहीं मैंने हाथ लगाया तो बड़े अच्छे अच्छे मुंह बना रहा था, जैसे नशा सा हो गया इसे। इधर दर्द है, एक यहाँ क्यों दर्द होगा? कहाँ है? यही है ना हर्निया का दर्द। तो हर्निया थोड़ी है ये, इंग्यूनस हर्निया है। वो ही मुझे बोलते हैं हर्निया, पेट में होती है वो। ये कौन सी हर्निया होती है? कोई सी तो होती है, यहीं की हर्निया। मेरा इलाज कराते मैं बता रहा हूँ। हाथ बढ़ गई इसकी। मैंने अब देखो हम दोनों को एडमिट होना पड़ेगा अस्पताल में। तो जाके खुशी में मेरे भी बाल खींचे ना उन्होंने, थप्पड़ मारे देख तो मेरा दिमाग हिल गया। कहते 20,000 रुपए का इलाज करा रहे हैं जल्दी। हाँ दे दो 20,000 रुपए दे। 20 नहीं 40 24 तो सेटलमेंट 20 पे होगा, 45,000। लेके जा अंदर, जरा शूट करना है इनका। तू क्या करेगा? पर मैं दूसरा सामान ला रहा हूँ यार, तुझे पता है नौकर बना के रखा हुआ है इन्होंने हमें। उनका नौकर तू है, तेरा नौकर मैं हूँ, और क्या बचा ही क्या है मेरी जिंदगी। मैं उनका मैं वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। वो मुझ पर ऑर्डर चलाएंगे, मैं तुझ पर ऑर्डर चलाऊंगा। छोटे भाई का फर्ज होता है बड़े भाई का ध्यान रखना। जैसे तूने उनके साथ बगावत करी है वैसे ही मैं भी करूंगा तेरे साथ। जूता साफ करने बोलूंगा तुझे, करना पड़ेगा समझ गया। बदले में क्या देगा? तू दिखने में बड़ा लगता होगा, है तू छोटा ही मुझसे। चल जोर लग गया इतने में ही। जब से इस इंसान के साथ आया हूँ नौकर बन के रह गया। एक और काम, लो लगा देना इसको, मैं लू क्या इसका, क्या करूंगा। चल प्लग लगा दे। अबे कहाँ लाइट फूक जाएगी वहां, मत लगा। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है ना। शर्म नहीं आती बिल्कुल। क्या क्या मजाक करते रहते हो? तो मजाक तो करेंगे ही हम, वकील मत बना करो हर टाइम इनकी। अब अभी हमने एलर्जी करी है क्या? हाँ करिए। तभी वकालत करवा लो जितनी मर्जी, लगा जल्दी यार। दोस्तों आज सेक्स एजुकेशन की क्लास दी जा रही है। आदिल का डाउट था कि मेल फीमेल कन्वर्जन कैसे होता है। होता कुछ नहीं है, ये एक सिंपल चीज है। सपोज नहीं नहीं ये समझ ले ना, ये एक शेप हो गई, ये समझ ले एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये वाई क्रोमोसोम है। तो ये बहुत मल्टीपल सेट से बने होते हैं, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर। तो अगर एक्स एक्स मिलता है तो क्या बनता है? लड़की। और एक्स वाई मिलता है तो
लड़का बनता है तो फिर वो कैसे तो एक्स एक्स मिल के जो लड़की बनी अगर उन वो जो एक्स एक्स दो एक्स जो मल्टीप्लाई उन एक्स में से किसी एक में भी माइक्रो बायोलॉजिकल लेवल पे अगर किसी भी फैक्टर में कोई दिक्कत होगी थोड़ा सा भी तो फिर यहाँ पर डिफरेंट मतलब चीज क्रिएट हो जाती है फीमेल नहीं रहती वो मेल बन जाएगा या कुछ हो जाएगा ऐसा सा अलग ही जेंडर क्रिएट हो जाता है बस तो मतलब ये बायोलॉजिकल है बिल्कुल बायोलॉजिकल है 200% बायोलॉजिकल तो इसमें लोग नाराज क्यों होते हैं जब ये अपना हक मांगते हैं तो अब लोगों को समझने में टाइम लगेगा ना अभी लोगों की क्षमता मानसिक संतुलन और जो उनकी मानसिक स्थिति है वो इतनी बड़ी नहीं है अभी चल तो आदिल तू भी घबरा मत अब तू भी एक्सेप्ट कर ले कोई बात नहीं सब केमिकल्स का खेल है ब्रेन में सब बायोलॉजिकल है कुछ ऊपर वाले ने बनाया है मेल फीमेल ही थोड़ा ना एक जेंडर है बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाती है बीच में मेल फीमेल तो दो हो गए ना वैसे ऐसा भी कुछ आएगा कि जैसे नॉर्मल इंसान है वो 25-30 साल जी लिया फिर उसे अचानक से वो चेंज हो गया ऐसा भी तो हो सकता है चेंज नहीं होता है वो रियलाइज बाद में करता है जैसा तुझे होने वाला है अभी थोड़ी देर में होते वैसे ही बचपन से अब प्यूबर्टी से पहले तो किसी को पता ही नहीं चलता है ना हॉर्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं तो जब प्यूबर्टी आती है तो उसके उस टाइम रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये जो बाकी के जो हमारे साथ के लड़के हैं वो डिफरेंट हैं हम अलग हैं तो रियलाइज होता है लड़कियों को रियलाइज होता है बाकी सारी लड़कियाँ से हमें मैं अलग क्यों तो फिर पता चलता है जाके फाइनली लेट होती है लड़की दोस्तों आज से हम सारे LGBTQ सपोर्टर हैं ठीक है होना ही चाहिए इनमें इनकी गलती थोड़ी ना है गलती तो किसी ने नहीं बताई ये कुछ मीमर लोग हैं जो बहुत मजाक बनाते हैं इन मीमरों की तो पटा फिरना चाहिए क्यों ना हम पटा उन पे फेर दें मीमर्स पे आप जो छुपे बैठे हो सर तुम्हारी बातें सुन रही हूँ मैं छुपा हूँ अच्छा काम कर लो काम फालतू बातें मत करो यहाँ बैठ के हम सब जो है ना वही हैं जो हम बने हैं और हम अच्छे से काम कर रहा हमारा ब्रेन एक केमिकल ऊपर नीचे होने से ना कांड हो जाता है इंसान का हमारे हाथ में थोड़ी ना है मुझे लग रहा है मेरा एक आध केमिकल कम ही है तेरे तो बहुत केमिकल कम बात वही है भैया नींद का केमिकल बढ़ेगा तो आदमी सोएगा नींद का केमिकल कम होगा तो आदमी मेहनती बनेगा तो मतलब मेरी गलती नहीं है ना इसमें मेरा केमिकल ज्यादा है नींद वाला तो मेरी क्या गलती है देखो तुमने गलत इलाज हर चीज का है चाहो तो कर सकते हो चीजें ठीक कुछ चीजों का इलाज मतलब हो जाता है हाँ निकाल बेल्ट निकाल तेरा तो हम कर देंगे तू यार मेरे रूम से चला जा नींद की फैलाता रहेगा बिस्तर पे लेटा हुआ अरे लो हम जा रहे हैं हाँ तुम जाओ जा रहे हैं यार जा रहे हैं कुछ भी नहीं करते दूसरों को भी नहीं करते अभी दूसरे ये सही कहते हैं इसके दोस्तों जो कहते हैं ना भाभी कुछ समझा लो अपने देवर को पूरे एक ही बिस्तर पे बैठ के एक ही कमरे में बैठ के व्लॉग बना देता है बस देख लेटा हुआ है आराम से बस ऐसे ऐसे स्विच मारेगा दो मिनट से यही कर रहा है बहुत सुस्त आदमी है तभी तो जब अकेला होता है तो व्लॉग नहीं आते इसके दूसरे लोग होंगे तो वेरी नाइस कैसे मस्त है चलो आप जो व्लॉगर ये चल रहा है